समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। किस बात का डर था कटप्पा को? क्या देवसेना संभाल पाएंगी महिष्मति को? क्या महिष्मति को आएगी शिवगामी की याद? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली 3 की कहानी में इस बार दुश्मन काफी ज्यादा आक्रामक होंगे, जिससे महेशमती के राजा महेंद्र बाहुबली को निमटना होगा। अब महेशमती में इस बार पुराने दुश्मनों की वापसी होगी, जिसमें बिजाला देव उनकी पूरी मदद करेगा। बिजाला देव आज भी महेशमती का राजा बनने का सपना देखता है और इसी लालच की वजह से वो महेशमती के दुश्मनों से हाथ मिलाने से पीछे नहीं हट रहा। कटप्पा की बात करें तो वो एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे आने वाले खतरे का पहले ही पता लग जाता है, जिसे लेकर वो महेंद्र को भी पहले ही अलर्ट कर देता है। हालांकि दोस्तों, महेंद्र ये कहकर कटप्पा को शांत करा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो ज्यादा कुछ सोच रहा है। हालांकि कटप्पा जानता है कि हो ना हो जल्द ही युद्ध होने वाला है। कटप्पा महेशमती का दौरा करने निकलता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर राज्य के लोग किस हाल में हैं और पूरे महेशमती की कंडीशन कैसी है। वहीं दौरा करते वक्त कटप्पा बिजाला देव को दूसरे राज्य के सैनिक से बात करते हुए सुन लेता है, जो कि महेशमती में आक्रमण की तैयारी कर रहे होते हैं। बिजाला देव दूसरे राज्य के सैनिक को महेशमती के राजमहल का एक मैप दे देता है, ताकि उनका राजमहल में घुसना आसान हो जाए। हालांकि कटप्पा को ये बात सुनते हुए बिजाला देव देख लेता है और वो बुढ़े हो चुके कटप्पा पे वॉर कर देता है। बुढ़े होने के बावजूद कटप्पा में इतनी ताकत थी कि वो बिजाला देव के हाथों पे तलवार से जोर से वार कर देता है। अब बिजाला देव का पहले ही एक हाथ नहीं था, वहीं दूसरे हाथ पर भी अब कटप्पा ने अपनी तलवार से काफी गहरा वार कर दिया था। हालांकि बिजाला देव के वॉर की वजह से कुछ ही देर में कटप्पा की मौत हो जाती है, जिसकी खबर जब महेशमती में पहुंचती है तो महेंद्र बाहुबली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कटप्पा पे तलवार के निशान देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। वहीं कटप्पा की मौत के कुछ दिनों बाद देवसेना की नजर बिजाला देव के हाथों पे पड़ती है, जिस पे तलवार के गहरे निशान नजर आ रहे थे। हालांकि दोस्तों, देवसेना ऐसा नहीं दिखाती कि उसे सारी बात समझ आ रही है। देवसेना अब जान चुकी होती है कि कटप्पा को बिजाला देव ने ही मारा है, जो कहीं ना कहीं किसी साजिश की तैयारी में था। अब वहीं महेंद्र 2 दिनों के लिए जंगल में शिकार के लिए जाने वाला होता है, जिस वजह से अब पूरे महेशमती की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए राजमाता देवसेना पर आ जाती है। बिजाला देव को यही एक अच्छा मौका लगता है और महेंद्र के जाने के बाद अगले दिन ही बिजाला देव दूसरे राज्य के सैनिकों को आक्रमण करने का इशारा दे देता है और देखते ही देखते हर जगह से महेशमती के राजमहल को दूसरे राज्य के सैनिक घेर लेते हैं। देवसेना युद्ध की ओर इशारा करती है और अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश देती है। महेशमती के सैनिक क्योंकि आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से कई सैनिक शुरुआती दौर में ही मारे जाते हैं। देवसेना भी काफी निडरता से सैनिकों का सामना करती है। वहीं ऐसा करते वक्त उसे शिवगामी की याद आती है कि आखिर उन्होंने किस तरह से छोटे आमरेंद्र को हाथों में लेकर दुश्मनों का सामना किया था और कितने अच्छे तरीके से इतने सालों तक महेशमती की कमान संभाली थी। देवसेना शिवगामी को एक इंस्पिरेशन की तरह लेती है और खुद ही आने वाली चुनौती का सामना करने लगती है और अपने कुछ सैनिकों को आदेश देती है कि महेंद्र को इन सब चीजों की जानकारी दो। वहीं इस लड़ाई में रानी अवंतिका देवसेना का पूरा साथ देती हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कॉम्बैट वॉरियर होती हैं। अब अवंतिका और देवसेना काफी अच्छे ढंग से अपने सैनिकों को गाइड कर दुश्मन राज्य के सैनिक को घेरते हैं और निडरता से लड़कर दुश्मनों को भगाते हैं। इतने में ही महेंद्र की वापसी होती है। देवसेना अपने राज्य कुंथाला से भी सैनिक बुलवा लेती है, जिससे दुश्मन राज्य के सैनिक कमजोर पड़ जाते हैं और जल्द ही उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ जाती है। इस लड़ाई के खत्म होते ही बिजाला देव को हमेशा हमेशा के लिए महेशमती से निकाल दिया जाता है और वो अब जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है खयाती।